हेलो गाइस, माय नेम इज वैभव। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम फिर से एक बार देखने वाले वायरल माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक्स। डिड यू नो दिस वाज पॉसिबल? ट्रैप डोर्स, उसके ऊपर लैडर्स लगाई। व्हाट, हम ट्रैप डोर्स के ऊपर लैडर्स लगा सकते हैं? ट्रस्ट मी, ओके आई विल ट्रस्ट यू। हमको ट्रैप डोर्स के ऊपर लैडर्स लगानी है, उससे क्या होगा? उससे हम उसके ऊपर चढ़ सकते हैं? एक साइड में ट्रैप डोर, एक साइड में लैडर। No way. What? Here are trap door and here is ladder. I don't think so ki it's gonna be real. तो ये trap door यहाँ पर लगाया। एक मिनट यार, एक लगाना था। And then इसके ऊपर हमको एक ladder लगानी है, ये मैंने लगा दी। Then उसके बाद फिर से एक बार हमको यहाँ पर trap door लगाना है। अरे एक मिनट, वो लग नहीं रहा। एक मिनट, लग गया। Whoa. Then इसके साइड में एक ladder लगानी है, इसके ऊपर। अरे यार एक मिनट, इसके ऊपर ऐसे। वो हो रहा है भाई। Then फिर से एक बार इसके ऊपर हमको ladder लगानी है। देन लैडर के ऊपर फिर से एक बार ये ट्रैप डोर लगाना ही है। ये ओपन हो गया। ओह, ये सही में हो रहा है, देखो। अभी इसके ऊपर भी एक लैडर लगानी पड़ेगी। देन इसके ऊपर भी एक ट्रैप डोर लगाना है। इस लैडर के ऊपर यहाँ पर लगा दिया, ये इस तरफ खुलना चाहिए। एंड ये लास्ट लैडर, एंड नाउ जस्ट गो इनटू सर्वाइवल। आ गया हमें सर्वाइवल में, एंड अभी हम ऊपर चढ़ने चाहिए। ओ सीरियसली, इट वर्क्स। हम दोनों तरफ से चढ़ सकते हैं। यहाँ पर बस दो लैडर्स है, लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस तरफ से, ओके, इस तरफ से हम नहीं चढ़ सकते। नहीं नहीं, इस तरफ से भी चढ़ सकते। ओह, मतलब इसकी मदद से हम एक सीक्रेट रास्ता बना सकते हैं ऊपर जाने के लिए। ओके, व्हाट इज डूइंग? हमको एक नेदर पोर्टल बनाना है। ओके, देन उसको एक्टिवेट करना है, आई थिंक। ओके, एक्टिवेट कर दिया। देन उसके बाद हमको उसके ऊपर लावा डालना है। बट व्हाई? ओ, नेदर पोर्टल के ऊपर लावा, इससे वो कवर हो गया। लावा से नेदर पोर्टल कवर हो गया भाई। वो देन हमको उसके ऊपर लावा के ऊपर ऑब्सीडियंस डालने। ओके, देन उसको तोड़ना है, ऑब्सीडियन को ऊपर वाले। देन लावा सब कुछ नीचे आ जाएगा, सारा का सारा लावा। व्हाट इज हैपनिंग? ओ माय गॉड, वो स्टोन कैसे बन गया? वहां पर पानी तो नहीं था ना, लेकिन कोबल स्टोन कैसे तैयार हो गया? व्हाट इज हैपनिंग? वो वही पा, नेदर, वो नेदर पोर्टल का वो ब्लू, वो बाहर निकल रहा है। व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है? लेट्स डू दिस। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा भी हो सकता है। सीधा वो पानी जैसा, वो नेदर का जो होता है ना, वो जिससे हम फ्लिंट एंड स्टील से वो चीज़ एक्टिवेट करते हैं, वो बाहर आ गया। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा भाई। दिस इज रियली स्ट्रेंज। तो ये मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। देन हमको इसके ऊपर लावा डालना था। 1, 2, 3 and 4। तो ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो एग्जैक्टली ये नीचे आ गया। ओह, कुछ तो मेरे को ये बुझने का आवाज़ तो आ रहा है। देन अभी यहाँ पर ऑब्सीडियन बन जाना चाहिए, जैसे कि वहाँ पर हुआ था। नो वे, इट इज़ नॉट इवन वर्क। वहाँ पर तो ये लावा जैसे ही नीचे आ गया, वो कॉबल स्टोन बन गया था ना। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डेफिनेटली यहाँ पर किसी डेटा पैक का यूज़ किया गया है, क्योंकि जो लावा होता है उससे पानी से ही कोबल स्टोन बनता है ना। अगर हम लावा में पानी डालते हैं तो वहीं पर कोबल स्टोन बनता है। सो आई थिंक वो जो नेदर पोर्टल एक्टिवेट किया गया था ना, वहाँ पर किसी डेटा पैक का यूज़ किया गया था, उसकी मदद से पानी को इसके अंदर डाला गया था, आई थिंक। ओके, पानी के अंदर हमको एंडरमैन को स्पॉन करवाना है। स्लैब के ऊपर पानी है, देन वो टेलीपोर्ट हो जाता है। लावा के ऊपर भी करेंगे तो भी वो टेलीपोर्ट होता है वो, लेकिन कोल्ड्रन के अंदर अगर हम करेंगे तो वो टेलीपोर्ट नहीं होता। व्हाट, लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पर हमको बस इसके अंदर पानी डालना है, एंड देन देखना है कि क्या यहाँ से टेलीपोर्ट हो पाएगा एंडरमैन। तो ये मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, एंड नाउ लेट्स स्पॉन दिस। ओह देखो, वो टेलीपोर्ट हो गया। उसको डैमेज तो आ रहा है, लेकिन वो टेलीपोर्ट हो रहा है, देखो। दैट्स कूल, पानी से उसको एलर्जी तो है, लेकिन वो टेलीपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर भी हमको एक स्लैब लगाना था, तो मैंने स्लैब लगा दिया, एंड देन स्लैब के ऊपर हमको पानी डालना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम उसको स्पॉन करेंगे तो भी वो टेलीपोर्ट होता है। ओके, देन अभी बारी है लावा की। ओके, ये रहा लावा एंड ये रहा एंडरमैन। ओह, वो जल तो रहा है, लेकिन टेलीपोर्ट भी हो रहा है, देखो कहाँ पर हो गया भाई। ओके, जलते जलते टेलीपोर्ट हो गया वो, देखो उसके अंदर आग अभी भी लगी है। आई थिंक वो बाद में मर जाएगा। एंड देन यहाँ पर हमको एक कोल्डन डालना है, एंड उसके अंदर पानी डालना है, देन एंडरमैन, यहाँ पर। वो उसको पानी से कुछ भी नहीं होता। एंडरमैन को तो पानी से एलर्जी होती है, आई थिंक। लेकिन देखो, वो कोल्ड्रन के अंदर है, दैट्स वाई उसको कुछ भी नहीं हो रहा। ना उसको डैमेज आ रहा है, ना कुछ भी हो रहा है। देखो, अगर मैंने यहाँ पर उसको स्पॉन किया तो उसको डैमेज आ रहा है,
लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा. व्हाट द हेक इज दिस माइनक्राफ्ट लॉजिक. आई मीन उसको डैमेज बिल्कुल नहीं आ रहा. देखो लावा के अंदर भी डैमेज आ रहा है, लेकिन कोल्ड्रन के अंदर जो पानी है उसमें उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं आ रहा है. दिस इज रियली अमेजिंग. आई मीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर हो रहा है. देखो मैंने कितने सारे यहाँ पर स्पॉन करवा दिए, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हो रहा. आई मीन लावा के अंदर भी नहीं कुछ हो रहा, तो पानी से इनको एलर्जी होती है आई थिंक. मतलब ये पानी से इम्यून नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको यहाँ पर पानी से भी कुछ नहीं हो रहा है. दैट्स कूल. वो सबमरीन जैसा कुछ तो है. व्हाट रियली हम इसको बना सकते हैं? इसके लिए हमको स्लाइम ब्लॉक्स चाहिए. देन द ऑब्जर्वर्स स्टिकी पिस्टन. ओ दिस इज सो कूल यार. देन यहाँ पर भी ऑब्जर्वर्स स्टिकी पिस्टन अपोजिट साइड्स में लगाने हैं. देन फिर से एक बार स्लाइम ब्लॉक यहाँ पर. एकदम ईजी है यार. देन सी लैंटन, आई मीन लैंटन. देन ग्लासेस, एक माइंड कार्ट. एंड देन यहाँ पर बस हमको एक और स्टिकी पिस्टन लगाना है. देन ये चालू हो गई. वो एंड हम इसके अंदर बैठ भी सकते हैं. एंड देन गेम मोर सर्वाइवल. ओके जी मैं आ गई समंदर के अंदर. एंड यहाँ पर हमको ये वाला हैक ट्राई करना है. भाई मज़ा ही आ जाएगा अगर ये मतलब ये बन गई तो. यहाँ पर हमको स्लाइम 1, 2, 3 एंड 4 इन चार लगाने के बाद हमको इसको तोड़ना था. देन इसके बाद हमको यहाँ पर इसको एक्सटेंड करना था सामने की तरफ. देन इसके बाद हमको यहाँ पर एक ऑब्जर्वर लगाना था कुछ इस तरीके से. एंड एक स्टिकी पिस्टन ये मैंने यहाँ पर लगा दिया. एंड देन इसके बाद हमको इसके सामने और ये लगाने थे स्लाइम, दो स्लाइम लगाने थे आई थिंक. देन हमको फिर से एक बार यहाँ पर एक ऑब्जर्वर लगाना है. इसका मुंह उस तरफ होना चाहिए. या एकदम परफेक्ट. अरे ये इसका मुंह तो ऊपर हो गया. ऊपर नहीं, सामने की तरफ होना चाहिए उसका मुंह. ओके तो आई थिंक इसका मुंह भी सामने की तरफ है. परफेक्ट. एंड देन हमको यहाँ पर एक और एक पिस्टन लगाना था अपोजिट डायरेक्शन में. इसका डायरेक्शन आई गेस इस तरफ था. ओके अभी सही है, अभी एग्जैक्टली सही है. देन ये करने के बाद हमको यहाँ पर ये ग्लासेस लगाने हैं. मैंने ग्लासेस लगा दिए. एंड उसके बाद हमको यहाँ पर माइंड कार्ट रखनी थी. आई मीन इसके ऊपर ये लगानी है. एंड देन माइंड कट रखनी है. ओके माइंड कट रख दी मैंने. एंड आई थिंक देन हमको इसको तोड़ना था. ये मैंने तोड़ दिया. परफेक्ट. एंड इसके बाद हमको बस यहाँ पर एक स्टिकी पिस्टन लगाना है. देन ये चालू हो जाएगा आई थिंक सो. ये मैंने इसके पीछे लगा दिया. ओ सही में काम कर रहा है. देखो अरे रुकना रुकना रुक, मेरे को इसके अंदर बैठना है, मेरे को इसके अंदर बैठना है. बैठ गया मैं. अरे बैठना यार. व्हाट इज दिस भाई, ये काम तो कर रहा है. लेकिन ओके मैं बैठ गया इसके अंदर. भाई एक मिनट, अब बस मुझे सर्वाइवल के अंदर आना है. ये मैं आ गया सर्वाइवल में. ओ वाओ देखो मैं एक सबमरीन के अंदर बैठा हूँ. आई मीन मैं सर्वाइवल में हूँ भी हूँ, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हो रहा है. वाओ दिस इज सो कूल. अगर आपको समंदर का कोई एडवेंचर वगैरह करना है ना, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो. एंड ये बहुत कूल है भाई, सीरियसली दिस इज सो कूल. देखो हम पूरा समंदर का नज़ारा ले सकते हैं ऐसे पानी के अंदर बैठकर. चाहे जितना हम नीचे इसको बना भी सकते हैं, ऊपर का भी नज़ारा ले सकते हैं. एंड अगर मुझे इससे बाहर उतरना है तो मैं ऐसे बाहर भी उतर जाऊंगा. देखो मैं इससे बाहर भी आ गया. भाई मेरी सबमरीन मेरे को छोड़कर आगे चली गई. रुक जा भाई. एक प्लैंक है. देन आइटम फ्रेम. ओके देन उसके ऊपर हमको एक नेदरराइट स्वॉर्ड रखनी है. देन हमको एक प्रेशर प्लेट. वाओ आई मीन ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि वहाँ पर कोई आइटम फ्रेम है. लुक सो कूल यार. तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ना बहुत सारे टूल्स ले लेता हूँ, नेदरराइट के टूल्स. ओके तो मैंने यहाँ से नेदरराइट के टूल्स ले लिए. एंड लेट्स ट्राई दिस. दिस इज परफेक्ट. एंड मैं आइटम फ्रेम लेना भूल गया यार. तो यहाँ से एक आइटम फ्रेम ले लेते हैं, जिसके अंदर हम ये रखेंगे. आई मीन जिसके ऊपर ये आइटम्स हम लगाएंगे. तो एक आइटम फ्रेम यहाँ पर, दूसरी तीसरी एंड ये चौथी. देन हमको बस इसके अंदर ये वाले आइटम्स रखने भाई. यहाँ पर पिकैक्स, देन ये एक्स, देन ये होई. एंड देन हमको यहाँ पर बस प्रेशर प्लेट लगानी है. ओह सीरियसली भाई कितना कूल हैक है. आई मीन ऐसा लग रहा है कि ये जो टूल्स है ये रखे है यहाँ पर. एंड जब हम उसके ऊपर पैर रखते हैं तो ये ग्लिच हो रहा है. आई मीन ये ट्रिगर हो रही है प्रेशर प्लेट. ओह ये भी कितना सही है. ऐसा लग रहा है वो चमक रहे. या हमने लाइटिंग वगैरह करी यहाँ पर. आई मीन अगर हमने ये जमीन पर लगाया एंड एक आइटम फ्रेम रख दिया, तो ये जमीन के ऊपर भी काम करता है. आई मीन हमको ये ब्लॉक के ऊपर रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. देखो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया. एंड देन जस्ट प्लेस अ प्रेशर प्लेट. ओ एंड अगर हम इसके ऊपर चलेंगे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लाइटनिंग वगैरह करी है या ये कोई ग्लिच है. तो गाइस मुझे ना आपको और एक हैक बताना है. एंड ये वाला हैक ना थोड़ा सा फनी सा है. आई मीन जो पांडास होते हैं ना वो लाइटनिंग से डरते हैं. मतलब अगर माइनक्राफ्ट में लाइटनिंग होती है ना तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है. तो आपको मैं यहाँ पर वो दिखाने वाला हूँ कि पांडास लाइटनिंग से कैसे डरते हैं. तो यहाँ पर ना मैं भी बहुत सारे पांडास स्पॉन करवा देता हूँ. एंड जैसे मैं यहाँ पर वेदर चेंज करूँगा ना, सबसे पहले वेदर चेंज करते हैं एंड वो भी थंडर वाला. एंड वेदर यहाँ पर थंडर वाला आ गया है. एंड देन हमको यहाँ पर लाइटनिंग को समन करना पड़ेगा. अगर मैंने वहाँ पर गिरा तो उनके ऊपर बिजली गिर सकती है. तो यहाँ पर मैं जल्दी से लाइटनिंग समन कर लेता हूँ. लाइटनिंग बोल्ट. और जस्ट लुक एट दिस. आई मीन एक मिनट भाई, रोते है पांडा, मैंने देखा है. मैं काम करता हूँ थोड़े से ना और पांडा स्पॉन कर देखता हूँ. सो गाइस जस्ट लुक एट दिस, ये वाला पांडा रो रहा है. आई मीन हर एक पांडा नहीं रोता, लेकिन देखो ये वाला पांडा रो रहा है लाइटनिंग की वजह से. ओह दिस इज सो क्यूट.
इतने सारे पांडास में बस एक पांडा रो रहा है, देखो इसने इसकी आंखें से बंद कर ली है एंड ये आंखें बंद करके रो रहा है, ये कितना वियर्ड है आके माइनक्राफ्ट का। एक काम करता हूँ, थोड़े से और स्पॉन करवा कर देखते हैं, मे बी बाकी के पांडास रोने लगेंगे। देखो ये वाला तो रो रहा है लेकिन बाकी का कोई भी नहीं रो रहा, बस एक ही रो रहा है। मैंने पहली बार माइनक्राफ्ट में रोता हुआ पांडा देखा है, अगर आपने भी पहली बार देखा होगा ना तो यार प्लीज लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो। और आज की इस लाइफ हैक की वीडियो बस इतना था, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज।